ज्ञान के दियनवा जरावाए माई, बेटा और बेटी सबके पढ़ावाए माई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हम जा रहे थे अभी कहीं रिपोर्टिंग के लिए, तब तक देखिए यहाँ पे स्कूल एक बना है, बहुत अच्छा लुक इसका दिखाई दे रहा था। देखिए कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई है, कितना अच्छा यहाँ का दृश्य लग रहा था। तो हम यहाँ पर रुके, यहाँ के जो टीचर लोग थे उनसे हमने बातें किया। तो इस समय महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं से जो भी उत्पीड़न की समस्याएँ रोज प्रतिदिन आ रही हैं, तो सोचे हैं कि अपने टीचर लोग से ही इसका कुछ शोर समाधान पूछें कि क्या होगा। यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं स्त्रियों को लेकर के होती रहती हैं। आप बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। ये बताइए कि जो ये समस्याएं आज के ज़माने में चल रही हैं, औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की समस्या, आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं सुनाई देती हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप चल के आए मेरे यहाँ तक, और सवाल आपने किया इस देश की नारी शक्ति के लिए। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि दरअसल भारत में जिस तरीके के आपके प्रश्न हैं नारी समाज के, तो सबसे पहले हमारे घर की बहन बेटियों को अपने परिधान पे, ये जो हमारे पारंपरिक परिधान रहे हैं, इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। और गार्जियन के भी ये भूमिका होनी चाहिए कि हम अपने परिवार के लोगों की अच्छी निगरानी करें, अच्छे से देख रेख करें, उनके अंदर अच्छे संस्कारों को विकसित करें, उनको इतना ज्ञान दें, चाहे जैसे ये कहा जाता है कि पढ़ा से लिखा कढ़ा होता है, बेहतर होता है, तो कम से कम उनके अंदर वो संस्कार पैदा करें, वैसे विचार पैदा करें कि आने वाले समय में अब रानी लक्ष्मी बाई के, मीराबाई के, सावित्रीबाई फुले के परिवार वालों ने ऐसा संस्कार दिया ना कि आज उनके विचार पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आज शोध हो रहे हैं, उन पे किताबें लिखी जा रही हैं। तो क्यों ना हम भी अपने घर की बहन बेटियों के अंदर कुछ ऐसे संस्कार पैदा करें। अब आज आप देख रहे हैं कि कहीं लड़कियां कुछ गलत कर रही हैं, तो सिर्फ एकाएक हम बेटियों को दोषी ठहरा नहीं सकते। इसमें कुछ जैसे लोगों को पुरुष दिक्कत वर्ग है। का भी दोष है, मैं इसको खुलेआम कहता हूँ, पुरुष वर्ग होने के नाते, पुरुष प्रधान देश में मैं पुरुष को भी दोषी मानता हूँ, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि उस पुरुष के घर की बेटियों को भी, उनकी बहनों को भी अपने घर के लोगों का आदर करना चाहिए, और कम से कम अनुशासन में रह करके, मर्यादित रह करके, और घर की परंपराओं के हिसाब से, समाज की परंपराओं के हिसाब से, देश की संस्कृति के हिसाब से उनको अपने को बचाना चाहिए। और खुद को जैसे आप देखते हैं आज लड़कियां मोटरसाइकिल, स्कूटी से लेके, मतलब खुद कार को से लेके, जागृत ट्रेन करना। से लेकर के फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, वैज्ञानिक बन रही, तमाम जगह रिसर्च कर रही, तो वो आगे बढ़ें, गलत तरीके की सोच ला के उनके उन्हें पिछड़ने की क्या हो सकता यानी है। कि जो निगेटिव थिंकिंग है उसको बिल्कुल खत्म बिल्कुल करें उसको खत्म और बिल्कुल करना पॉजिटिव थिंकिंग में चाहिए। रहें और पॉजिटिव ही बने, तो इस भी हाँ, आप। ये मेरी आदत है, जैसे मैं बचपन से, जब विद्यार्थी जीवन से मैं संगीत का बहुत प्रेमी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी आप आए तो मैं बैठ के कुछ नारी सशक्तिकरण पे ही दो चार लाइन लिखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैं अपने कवि जी से गीत लिखवाता हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि मतलब खुद क्या से लिख मैं भी करके लिख खुद। सकता हूँ क्या। हाँ तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन आज आइए नारी सशक्तिकरण पे, मैं आपको दो लाइन सुना देता हूँ। अभी देखिए मेरे हाथ में वो पेपर है जिस पे मैं लिख रहा था, कलम भी खुली हुई है, तो आइए हम आपको सुना ही देते हैं। ये माइक आप हाँ मुझे दे हाँ माइक दीजिए। पकड़ लीजिए आप। दरअसल देखिए, मेरी समाज से जो सिफारिश है, एक माँ से या एक पिता से, तो उसको मैं अपने गीत के माध्यम से, आपके चैनल के द्वारा मैं अपने समाज के लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं, और उम्मीद करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से लोगों को मेरी बात जो है पसंद आए और उस पे काम किया जाए जैसा कि मेरी सोच है। और मैं चूंकि इस विद्यालय के परिसर में हूं, जो मेरा दायित्व तो है, हम लोग बच्चियों के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके संस्कार के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में हम आपको बताते हैं कि मेरी क्या कोशिश है। जैसे एक पढ़ी लिखी बेटी जिसने समाज और दुनिया को देखा है, मेरे कलम के हिसाब से वो अपनी माँ से क्या कहना चाहती है, वो चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ।
ज्ञान के दियनवा, ज्ञान के दियनवा जरावाय माई, ज्ञान के दियनवा जरावाय माई, बेटा और बेटी सबके पढ़ावाय माई, बेटा और बेटी सबके पढ़ावाय माई, बेटी वरदान बनिए जैसे लक्ष्मी बाई, बेटी वरदान बनिए जैसे लक्ष्मी बाई, कार चलाई है फाइटर प्लेन उड़ाई, कार चलाई है फाइटर प्लेन उड़ाई। बेटी की कोशिश है कि भैया की तरह मुझे भी दुलार प्यार दीजिए और मैं भी एक बेटे से भी बढ़कर के आपका साथ दूंगा और आपके आंचल में वो सारी खुशियां भरने का प्रयास करूंगा, करूंगी कि जिससे आप खुशहाल होंगी और आप तो आत्मबल और सम्मान मिलेगा। इसलिए बेटी कहती है कि कार चलाई है जैसे फाइटर प्लेन उड़ाई, भैया के संग पढ़ावाय माई, भैया के संगे पढ़ावाय माई, ज्ञान के दियानावा जरावाय माई, मीरा बाई कबीर के माना बचनिया, मीरा बाई कबीर के माना बचनिया, इतिहास बतावे सावित्री बाई फूले के कहानिया, अम्बेडकर राजा राम मोहन, अम्बेडकर राजा राम मोहन राय समझाई, ज्ञान के दियानावा जरावाय माई। और अंतिम लाइन में हमारे परिसर के बगल में पटेल इंटर कॉलेज उर्दिया में 6 फरवरी को 501 जोड़ा दहेज रहित सामूहिक विवाह होने जा रहा है। राजा राम मोहन राय को सावित्री बाई फूले को डॉक्टर अंबेडकर को साहू जी महाराज को अपना नेता मानते हुए, अपना मसीहा मानते हुए, भगत सिंह को अपना मसीहा मानते हुए, आदरणीय राम सकल पटेल जी जिनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है। इसलिए अगली लाइन में मैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि राजा राम राम सकल योजना बनावे, दहेज का बीमारी देश से भगावे, राजा राम राम सकल योजना बनावे, दहेज का बीमारी देश से भगावे, नगंदर के अदतिया सुधाराए माई, नगेंद्र के अदतिया सुधाराए माई, ज्ञान के दिया नावा जरावाय माई, बेटा और बेटी सबके पढ़ावाय माई, ज्ञान के दिया नावा जरावाय माई, ज्ञान के दियनवा जरावाय।